बात करेंगे मध्य प्रदेश की और उज्जैन में बारिश की वजह से शिप्रा नदी किस तरीके से उफान पर है। कई मंदिर ऐसे हैं जो पानी के अंदर डूब गए हैं। शिप्रा नदी पर बना छोटा सा पुल भी जलमग्न हो चुका है। जिला प्रशासन ने अभी घाटों पर पूजा अर्चना करने को लेकर रोक लगा दी है। उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर और मंदिर कई ऐसे जो पानी में डूबे नजर आ रहे हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो अभी नदी किनारे घाटों पर पूजा अर्चना ना करें। अभी फिलहाल के लिए उनकी सेफ्टी के लिए उस पर रोक लगाई गई है। शिप्रा नदी पर जो एक पुल बना हुआ था, छोटा सा ये पुल था, वो भी पूरे तरीके से पानी में जलमग्न हो चुका है। बारिश की वजह से शिप्रा नदी लगातार 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है लेकिन उफान पर है। आप देखिए, ये शिप्रा नदी का छोटा पुल है जिससे पानी बह रहा है। शिप्रा नदी के ऊपर से पानी बहने की वजह से रास्ते को रोक दिया गया है और जो आसपास के मंदिर है अभी भी जलमग्न है। घाटों पर पूजा अर्चना बंद है और शिप्रा नदी का जल स्तर ऐसा माना जा रहा है कि आज भी उतरने की संभावना कम है। उज्जैन और इंदौर में लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से लगातार शिप्रा नदी उफान पर है और यह तीसरा मौका है जो बारिश के समय शिप्रा नदी लगातार तीसरी बार उफान पर आई है और उज्जैन के इसी रामघाट और इसी घाट पर पूजा अर्चना करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं लेकिन फिलहाल जो शिप्रा नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है इसकी वजह से पूजा अर्चना बंद हो गई है और जो श्रद्धालु है वे घाटों के ऊपर पूजा करने से फिलहाल वंचित है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज, उज्जैन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।